वेलकम बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। और आज मैं बच्चों आपको बहुत ही रोचक जानकारी के साथ उपस्थित हूं। एक संक्षिप्त सा परिचय वेब डिजाइन और HTML का लेकर उपस्थित हूं और आशा करता हूं बच्चों आपको मेरा ये संक्षिप्त सा वीडियो या प्रयास जरूर पसंद आएगा। आइए शुरू करते हैं बच्चों। वेब डिजाइनिंग क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया जाए कि ये वेब डिजाइनिंग बच्चों होती क्या है। देखिए, व्हाट इज वेब डिजाइनिंग बच्चों, तो इट इज द प्रोसेस टू क्रिएट और डिजाइन वेब पेज बच्चों। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम बनाते या डिजाइन करते हैं किसको, वेब पेज को, स्ट्रक्चर को उसके, एंड इट्स कंटेंट। बच्चों ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को कि वेब डिजाइनिंग मूल रूप से वो प्रक्रिया है जिसमें हम वेब पेजेस को डिजाइन करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं, उसके कंटेंट को डिजाइन करते हैं, उसको फॉर्मेट करते हैं, उसको यूज करते हैं, उसको प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, जो वेब पेज बच्चों हम बनाते हैं, वेब पेज को बनाने में मेनली तीन चीजें यूज होती हैं। एक तुम्हारा HTML, दूसरा तुम्हारा CSS और तीसरी जो टेक्नोलॉजी, सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते हैं बच्चों, उस टेक्नोलॉजी को दुनिया JavaScript के नाम से जानती है। याद रखिएगा, HTML करता क्या है, HTML वेब पेज का बच्चों स्ट्रक्चर डिजाइन करता है। क्या डिजाइन करता है, वेब पेज का स्ट्रक्चर डिजाइन करता है। CSS की मदद से बच्चों हम लोग स्टाइल शीट डिजाइन करते हैं और JavaScript की मदद से हम लॉजिकल पार्ट को डिजाइन करते हैं। याद रखिएगा, HTML तुम्हारे वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी वेब पेज। बिना HTML के कोई वेब पेज बच्चों नहीं बन सकता, समझ लीजिएगा। स्ट्रक्चर बनाना है तो HTML सीखनी पड़ेगी। और बहुत ही साधारण सी, बहुत ही सामान्य सी, बहुत ही बेहतरीन कमाल की लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप वेब पेज बच्चों डिजाइन कर सकते हो। मैं कहूंगा शायद दुनिया की मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इजीएस्ट लैंग्वेज टू लर्न। आफ्टर दैट आपको सीखना पड़ेगा बच्चों CSS को। ये CSS क्या है साहब, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। बच्चों दूसरे सरल शब्दों में समझाऊं तो CSS की मदद से आप अपने वेब पेज को फॉर्मेट करते हैं। आप CSS की मदद से जिन स्टाइल शीट्स का निर्माण करते हैं, उन स्टाइल शीट का उपयोग आप HTML के वेब पेज को सजाने में, संवारने में, मेकअप करने में कहें तो गलत कहीं से नहीं होगा। और बच्चों तुम्हारा ये JavaScript क्या करती है, ये JavaScript का रोल ये है कि बच्चों वेब पेज में कोई लॉजिकल व्यू, कोई लॉजिकल कंडीशंस डालना है तो आप बच्चों किसकी मदद लेते हैं, JavaScript की मदद लेते हैं। कहा जाए स्ट्रक्चर बनाना है HTML, सजाना है CSS, दिमाग डालना है वेब पेज में तो JavaScript। अन्यथा ये CSS और HTML से तो वही चीज बनेगी कि ब्यूटी विदाउट ब्रेन वाला हाल हो जाएगा भैया। तो याद रखिएगा, ये तीनों टेक्नोलॉजियां मैक्सिमम मिलती हैं बच्चों तब तुम्हारा वेब पेज बनता है। और माय डियर बच्चों, वेब पेज जो आप बनाते हैं ना, वेब पेज जो आप बनाते हैं उसमें जिस डिजाइनिंग का यूज होता है उसको हम लोग बच्चों वेब डिजाइनिंग कहते हैं। माने वेब पेज के निर्माण में जिस टेक्नोलॉजी का यूज होता है उसे हम वेब डिजाइनिंग कहते हैं। वेब डिजाइनिंग के दो हिस्से होते हैं बच्चों, एक तुम्हारा फ्रंट एंड डिजाइन, दूसरा तुम्हारा बैक एंड डिजाइन। याद रखिएगा बच्चों, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड हम किसकी मदद से बनाते हैं, हम HTML की मदद से, हम CSS की मदद से, हम जावा की मदद से।
मतलब वही जावास्क्रिप्ट। और बैकएंड जानना है तो सी, सी प्लस प्लस, पर्ल, पीएचपी, रूबी, ये सारी क्या है, वो लैंग्वेज है बच्चों जिसकी मदद से बैकएंड हम डिजाइन करते हैं। आपके दिमाग में जरूर प्रश्न आएगा कि भैया वेब डिजाइनिंग यानी वेब पेज के, वेब डिजाइनिंग में फ्रंट एंड क्या है? तो भैया फ्रंट एंड वो हिस्सा वेबसाइट का, आप वेब डिजाइनिंग क्यों करते हैं, वेब पेज बनाने के लिए, वेब पेज का कलेक्शन वेबसाइट है, वेबसाइट का वो हिस्सा जिसको यूजर डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, जिसको यूजर डायरेक्ट यूज करता है, उपयोग करता है, जिससे यूजर डायरेक्ट संवाद करता है, बच्चों वो फ्रंट एंड है। और फ्रंट एंड हम डायरेक्ट टच करते हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं। फ्रंट एंड में आप जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो बैकएंड के पास जाती है, बैकएंड पे प्रोसेसिंग होता है और कंटेंट वापस फ्रंट एंड पे आता है। जैसे आप रेलवे का रिजर्वेशन कराने जब जाते हैं बच्चों, तो रिजर्वेशन का जो फॉर्म है वो फ्रंट एंड है, लेकिन आपने जो डिटेल भेजी वो जाएगी बैकएंड पर। बैकएंड पर जो प्रोग्राम है, जो स्क्रिप्ट है, वो रन होगा, आपका टिकट रिजर्व होगा, किस कोच में, किस बोगी में आपको मिला रिजर्वेशन, ये बैकएंड निर्धारित करेगा, लेकिन व्यू फ्रंट एंड को देगा। और दोनों इंड का बच्चों अपना महत्व है, दोनों इंड को आप सीख सकते हैं। अब तय आपको करना है, कोई अकेला आदमी ना फ्रंट एंड बना सकता है पूरा, ना बैकएंड बना सकता है, ये टीम गेम है बच्चों, ये तुम्हारा टीम गेम होता है। और इस गेम में मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसका जो क्राइटेरिया है, जिसकी जो स्किल है, जिसकी जो समर्थ है, उस हिसाब से कार्य करता है बच्चों। फ्रंट एंड डिजाइनर वो होता है जिसके पास क्रिएशन अच्छा हो, क्रिएटिविटी हो, रचनात्मकता हो, उसको कलर्स का, उसको स्टाइल का, उसको इमेज का, उसको कहते ना कंपोनेंट डिजाइनिंग का अच्छा आइडिया हो। तुम HTML, CSS, JavaScript सीखकर फ्रंट एंड डिजाइनर बन सकते हो, लेकिन बैकएंड की प्रोग्रामिंग करने के लिए बच्चों, बैकएंड को सीखने के लिए आपको सजाना संवारना नहीं है, वहां दिमाग लगता है, लॉजिकल व्यू आपको पता होना चाहिए, क्वेरी आनी चाहिए, डेटाबेस चलाना आना चाहिए, प्रोग्राम्स लिखने आने चाहिए, स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। तो भैया सारे कार्य सबके लिए नहीं है, आप अपनी काबिलियत को खुद से निर्धारित करिए कि हम भैया सजाने वाला काम, नॉर्मल वर्क, देखिए फ्रंट एंड उतना डिफिकल्ट नहीं है बनिस्बत किसके, बैकएंड के, लेकिन दोनों का अपना महत्व है। आपका वेब पेज, आपका डेटाबेस, आपका बच्चों वेबसाइट अच्छी दिखेगी तो वो डिपेंड करेगा फ्रंट एंड पे, अच्छी कार्य करेगी तो वो दिखेगा बैकएंड पे, और दोनों जरूरी है। कोई चीज जो आज के दुनिया में तो नियम है, जो दिखता है वो बिकता है, तो साहब अट्रैक्टिव भी होना जरूरी है, लेकिन अट्रैक्टिव अकेले होके क्या करेगा अगर बैकएंड कुछ सपोर्ट हमें ना मिलता हो तो। तो आशा करता हूं आपको मुझे बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों समझ में आ गया होगा। अब बच्चों एक चीज और जान लीजिए कि जो आप वेबसाइट्स वेब डिजाइन से बनाते हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक आपकी स्टैटिक और दूसरी वेबसाइट जिसे हम बोलते हैं डायनेमिक। वन विच इज कॉल्ड स्टैटिक वेबसाइट, सेकेंड वन विच इज कॉल्ड स्टैटिक वेबसाइट, बच्चों तुम्हारी सिंपल है, इजी टू क्रिएट है, अनचेंजेबल है ना, लो कॉस्ट है। डायनेमिक वेबसाइट्स कॉम्प्लेक्स होती हैं, डिफिकल्ट टू क्रिएट, ठीक है, कैन अल्टर द डेटा। और क्या खास बात होती है, इसमें पैसे ज्यादा लगते हैं भाई। हाई देखिए, ये मैंने थोड़ा सा आपको बच्चों समझाने की कोशिश की कि वेबसाइट्स तुम्हारी दो प्रकार की हैं, एक स्टैटिक, एक तुम्हारी डायनेमिक। स्टैटिक किस वेबसाइट को तुम कहोगे भैया, जो सिंपल है, कुछ वेब पेज हो, कुछ फोटो हो, कुछ इमेज हो, कुछ लोकेशन हो, प्लस इजीली बनती हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है,
अनचेंजेबल का मतलब क्या है बच्चों? अनचेंजेबल का मतलब कि इसमें जो कंटेंट है उसको सिर्फ और सिर्फ वेब एडमिनिस्ट्रेटर बदल सकता है। वेब एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? वो आदमी बच्चों, हु इज द वेब एडमिनिस्ट्रेटर, वो बंदा, वो पर्सन जिसने डिजाइन किया है, जिसने टेक्नोलॉजी को बनाया है, जिसने वेबसाइट्स को क्रिएट किया है, वो कंटेंट बदलेगा तो बदलाएगा। हम सब नहीं बदल सकते, आम यूजर सिर्फ देख सकता है। और लो कॉस्ट का मतलब कम पैसे में बन जाएगी। तो भैया स्टैटिक वेबसाइट्स यूज होती हैं कम, जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी है, बस कुछ चीजें डिस्प्ले करनी है, कुछ दिखाना है, कुछ शो करना है, कुछ प्रदर्शन करना है, तो आप स्टैटिक वेबसाइट्स की बात करेंगे। लेकिन जहां पर बच्चों तुम्हारा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वर्क ज्यादा है, ऑनलाइन काम करना है, यूजर से डेटा भी लेना है, कुछ रिक्वेस्ट भी आनी है, कुछ वापस भी देना है, ट्रांजेक्शन है, मनी का ट्रांजेक्शन है, डेटाबेस है, जैसे रेलवे की वेबसाइट आपकी क्या होगी? डायनेमिक वेबसाइट होगी बच्चों, बहुत जटिल, कॉम्प्लेक्स, मुश्किल से बनेगी, डिफिकल्ट टू क्रिएट। आपने रेलवे रिजर्वेशन कराया, उसमें कुछ अपडेट करना है, कैंसिल करना है, संभव है। हाई कॉस्ट बच्चों, बहुत महंगी है, इतना आसान नहीं है इन वेबसाइट्स को हैंडल करना, इन वेबसाइट्स को प्रयोग करना, इन वेबसाइट्स को यूज करना। तो बच्चों आशा करते हैं कि व्हाट इज वेब डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग क्या है, हम क्यों करते हैं, वेब पेज क्या है, वेबसाइट्स क्या है, ये आपको क्लियर होगा। अब बच्चों प्रश्न उठता है कि ये पूरी टेक्नोलॉजी किस नेटवर्क पे चलती है? तो याद रखिएगा, ये टेक्नोलॉजी आपकी इंटरनेट की मदद से चलती है। इंटरनेट क्या होता है बच्चों? एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा, ये मान लीजिए कि ये ग्लोब है, ग्लोब माने पूरी पृथ्वी, और ये क्या है, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो बच्चों इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे ग्लोब पर चलता है। कुछ लोग इसको कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो बहुत सारे छोटे बड़े मझले नेटवर्क से मिलके बना है और जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में बच्चों कनेक्ट होता है। इंटरनेट किस कैटेगरी का नेटवर्क है? वाइड एरिया, जिसका दायरा, जिसका एरिया बहुत बड़ा है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है इंटरनेट का डिवाइसेस को कनेक्ट करना। याद रखिएगा बच्चों, जितनी डिवाइसेस इस नेटवर्क से जुड़ती हैं, जितनी डिवाइसेस इस नेटवर्क से कनेक्ट होती हैं, उनके बीच एक एग्रीमेंट होता है या एक प्रोटोकॉल काम करता है, उसका नाम है TCP/IP। TCP/IP एक वो प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से आज इंटरनेट पर डिवाइसेस आपस में बच्चों जुड़ती हैं, कनेक्ट होती हैं, यूज होती हैं। और इंटरनेट की महिमा की तो बात ही मत कीजिए, एक ऐसा शानदार नेटवर्क जो शायद आपके जीवन में आज हर क्षेत्र में बच्चों उपयोगी है, प्रयोग किया जा रहा है। शायद मैं कहूं कि अगर हम अपने जीवन की परिकल्पना विदाउट इंटरनेट नहीं कर सकते, तो बच्चों ये कहीं से गलत नहीं होगा। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो आज हमारे लिए हर तरीके से उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। कोई ऐसा एरिया नहीं जहां पर आज हम इसका उपयोग या प्रयोग ना करते हो। रिजर्वेशन करना हो, टिकट बुकिंग करनी हो, कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना हो, कस्टमर सर्विस हो, मनी पेमेंट करना हो, गवर्नमेंट की रिलेटेड वर्क करना हो बच्चों, इंटरटेनमेंट करना हो, पढ़ाई करनी हो, हर कार्य तो भैया आज इंटरनेट की मदद से हो रहा है। ऐसा तो कोई नेटवर्क बच्चों बना नहीं, ऐसा तो कोई एरिया नहीं जहां इंटरनेट ना हो। तो आशा करते हैं बच्चों कि आपको यह भी समझ में आ रहा होगा। और वेब डिजाइन अगर आपको करनी है तो आपको बच्चों एक लैंग्वेज, मैंने कहा था फिर कहता हूं, जाननी पड़ेगी, उसका नाम है HTML। क्या नाम है इस लैंग्वेज का? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बच्चों यहां पर ध्यान से समझिएगा, इस लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो किया था जिस सज्जन ने, उनका नाम था मिस्टर टिम बर्नर्स ली साहब ने किया था। किस सन में किया था? इन 1991 में किया था। और ये जो लैंग्वेज है बच्चों, इस कैसी लैंग्वेज है थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि द टेक्स्ट, वो टेक्स्ट जो
जो क्या रखता हो, दैट कंटेन्स लिंक्स। बच्चों HTML लैंग्वेज आने के बाद ही वो हाइपरलिंक की सुविधा आपको मिल पाई। हाइपरलिंक क्या है, जिसको आप आजकल लिंक 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 कहते हैं। वीडियो का लिंक दे दो, फॉर्म का लिंक दे दो, डेटा का लिंक दे दो, जो लिंक तुम बनाते हो, जो हाइपरलिंक तुम बनाते हो, वो HTML लैंग्वेज आने के बाद शुरू हुआ। और बच्चों हाइपरलिंक में जो हाइपर टेक्स्ट है उसमें एक प्रोटोकॉल इन्वॉल्व होता है HTTP, जिसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और मार्कअप का मतलब क्या होता है, मार्कअप का मतलब होता है कि इट टेल्स द ब्राउजर, कि ब्राउजर को बताना कि हाउ टू डिस्प्ले द टेक्स्ट, कि भैया टेक्स्ट को कैसे डिस्प्ले करना है। और इस काम में हम लोग HTML में बच्चों उपलब्ध है टैग्स, जिनकी मदद लेते हैं। मार्कअप प्रोसेस को करना है तो टैग की मदद ली जाती है। ये टैग क्या होते हैं आप समझ लीजिए कि बच्चों दे टैग्स आर कॉल्ड कमांड्स। ये आपके कमांड्स होते हैं। और बच्चों टैग्स आर केस सेंसिटिव। ये बच्चों केस सेंसिटिव क्या होते हैं, तो दे आर नॉट केस सेंसिटिव। नॉट केस सेंसिटिव का मतलब आप चाहे तो कैपिटल में यूज करो, आप चाहे तो स्मॉल में यूज करो। और जो हम वेब पेज बनाते हैं बच्चों, उसको उसको वेब पेज का आउटपुट चाहिए। आप जो ये HTML लैंग्वेज लिखते हैं, वेब पेज बनाते हैं, उसका आउटपुट आपको मिलता है किसकी मदद से, एक सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग बच्चों ब्राउजर कहते हैं। जो आप टैग्स की मदद से लिखते हैं उसका, उसको इंटरप्रेट ब्राउजर करता है और आपको रिजल्ट, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बच्चों आउटपुट प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, ब्राउजर प्रोवाइड करता है। तो कुछ ये संक्षिप्त जानकारियां जिसको मैंने बच्चों आपको बताया, वेब पेज क्या है, वेब डिजाइनिंग क्या है, स्टैटिक वेब पेज, डायनेमिक वेब पेज, ना स्टैटिक वेबसाइट्स, डायनेमिक वेबसाइट्स, इंटरनेट है ना, HTML, टैग्स, हाइपर टेक्स्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको बच्चों ये मेरा छोटा सा प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। और आशा करता हूं कि हम निरंतर आपको इस तरह के वीडियोस देंगे और आप उसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर नए वीडियो के साथ। गुड नाइट, जय हिंद, नमस्कार।